जो मैं आज ट्रिक बताने वाला हूं, अगर आप ये लगा लेते हो तो आपका 101% व्यूज बढ़ने वाला है। और हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, आप वीडियो को एक लाइक कर देना और चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसे वीडियो हमारे चैनल पर आते रहेंगे और आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलता रहेगा। तो आप वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और दूसरा आप वीडियो को स्किप मत करना, फुल वॉच करना, जिससे आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को और अच्छा सीखने को मिलेगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और दिखाता हूँ आपको वो क्या करना है, आपने कौन सी ट्रिक लगानी है जिससे आपका व्यूज और सब्सक्राइबर बढ़ता रहे। तो छोटी सी ट्रिक लगाने के बाद गारंटेड सब्सक्राइबर आपका व्यूज बढ़ेगा। अगर आपके शॉर्ट्स वायरल नहीं हो रहे तो आप एक मिस्टेक कर रहे हो, और वो आज हम समझाने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। और उसे आप अगर सही कर लेते हो तो आपके शॉर्ट्स या लॉन्ग दोनों वीडियो वायरल होंगे 101%। तो उसे करना कुछ नहीं, आपने करना क्या है, आपने जो वीडियो अपलोड करते हो और एडिटिंग करते समय आपकी जो वीडियो रहती है वो SD या HD होती है, और वो 4K नहीं हो पाती, जिससे आपका व्यूज डाउन होता जाता है और व्यूज नहीं आता, बहुत कम आता है व्यूज। उसका हम सॉल्यूशन बताएंगे कैसे आपने वीडियो को अपने 4K में लाना है। अगर आप 4K वीडियो बनाते हो तो आपका व्यूज सब्सक्राइबर जरूर बढ़ेगा, और इतना सब्सक्राइबर बढ़ेगा कि आप सोच भी नहीं सकते। और कुछ ही वीडियो में आप अगर ये ट्रिक लगाते हो तो आपका व्यूज सब्सक्राइबर अच्छा खासा बढ़ने वाला है। तो ये ट्रिक जरूर लगाना आप भी, और एक बार ट्राई करके जरूर देखना जो मैं आज आपको ट्रिक बताने वाला हूँ, और बहुत बढ़िया ट्रिक है, क्योंकि इस ट्रिक से हर कोई वीडियो अपलोड करता है, और जितने भी बड़े यूट्यूबर है ना वो इसी ट्रिक को लगाते हैं जो मैं आज आपको बता रहा हूँ। अगर आप इस ट्रिक को आप भी लगाओगे तो आपका 101% शॉर्ट्स सब वायरल होंगे। तो करना क्या है, करना कुछ नहीं है, सिर्फ एक छोटी सी ट्रिक है, उसे आप समझ लो अच्छे से। आप वीडियो को स्किप करोगे तो कुछ आपको समझ नहीं आएगा, और वीडियो को पूरा देखना आपको पूरा समझ आएगा कि कौन सी ट्रिक लगानी है, कैसे लगानी है। ये ट्रिक बहुत कीमती है, ये समझ लो कि अगर आप यूट्यूबर बनना चाहते हैं तो ये ट्रिक बहुत जरूरी है, जो मैं आज आपको ट्रिक बताऊंगा बहुत ज्यादा जरूरी है। इस ट्रिक को लगाकर आप भी शॉर्ट्स अगर वीडियो अपलोड करते हैं तो मिलियन व्यूज गारंटेड आएगा, और अगर आप लॉन्ग वीडियो भी अपलोड करते हैं ये ट्रिक लगा करके, तो आपका व्यूज अगर आप जैसे पहले आपका 10-20 व्यूज आता है तो कम से कम मैं कहता हूँ 30,000-40,000 व्यूज गारंटेड आएगा। छोटी सी ट्रिक, अगर आप अपने वीडियो में यूज करते हैं और आपका व्यूज प्लस सब्सक्राइबर गारंटेड बढ़ने वाला है, और सिर्फ एक सेटिंग जब वीडियो एडिटिंग करते हो उस टाइम करनी है। अगर एडिटिंग करते समय आपने ये सेटिंग कर ली तो आपका 101% व्यूज बढ़ेगा, क्योंकि ऐसी वीडियो अगर आप अपलोड ऐसे ही करोगे जैसे मैं आज ट्रिक बता रहा हूँ तो आपका 100% व्यूज बढ़ेगा। तो ट्रिक क्या है छोटी सी ट्रिक लेकिन बहुत काम आने वाली है, क्योंकि एक सेटिंग जो होती है ना वो बहुत मायने रखती है, ठीक है। अगर आप जो वीडियो अपलोड करते हो वो HD, HD और 4K, अगर तीन क्वालिटी में आपकी वीडियो चली जाती है तो आपकी वीडियो पर 101% व्यू जाता है। अगर आप ऐसी ट्रिक नहीं लगा सकते तो आपका व्यूज हमेशा डाउन रहेगा, और इस ट्रिक को लगाने के बाद आपका भी व्यूज गारंटेड बढ़ने वाला है। और इस ट्रिक को लगाने से बस करना कुछ नहीं है, सिर्फ एक छोटी सी ट्रिक है, और उसमें क्या होगा, आपका जो वीडियो है वो तीन कैटेगरी में सिलेक्ट हो जाता है, SD, HD, 4K। अगर आपका वीडियो जो है ना, कई लोग होते हैं जो 4K ही वीडियो देखना पसंद करते हैं, तो आपका वीडियो YouTube रिकमेंड नहीं करता 4K वालों को, अगर आपका HD, HD रहता है तो।
तो इसलिए आपका वीडियो जो है अगर 4K क्वालिटी में सेलेक्ट होगा तभी रिकमेंड करेगा YouTube 4K क्वालिटी जो देखना पसंद कर रहे हैं उन्हें भी। तो ट्रिक लगाने से पहले आप समझ लेना, छोटी सी ट्रिक है, और वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि जब भी बताते हैं तो आपको कुछ खास बताते हैं, क्योंकि जो हम ट्रिक लगाते हैं जिससे हमारे व्यूज काफ़ी इंक्रीज होने लग गए हैं, बढ़ने चालू हो गए हैं, तो वही ट्रिक हम आपको आज बताने वाले हैं। तो आप समझ लेना वो ट्रिक करना क्या है। आपने जब आप वीडियोज एडिटिंग करते हो किसी भी ऐप से, वीएन से, काइनमास्टर से, कैपकट से या इनशॉट से, तो करना क्या है आपने, जब वीडियो को एडिटिंग करने के पश्चात बाद में जब आप वीडियो को सेव करते हो वहाँ एक छोटा सा ट्रिक लगानी है। देखो उसमें क्या करना है, आपने जो आपकी वीडियो है सेटिंग कर दी आपने पूरा और वीडियो को सेव करने लगते हो उस टाइम पर हाई बिट रेट और हाई फ्रेम रेट दोनों को हाई रखना है, जितना अधिक से अधिक हो जाए, और फुल कर देना है, जितना भी फुल हो फुल कर देना, उसके बाद वीडियो को सेव कर देना है। ठीक है, तो अब मैं दिखा देता हूँ आपको अपने फोन के अंदर और कैसे मैंने ट्रिक लगाई है और जिससे मेरा वीडियो जो है वो तीन क्वालिटी में अलग अलग कैटेगरी में सेलेक्ट हो जाता है। ठीक है, मेरे जितने भी आप वीडियो देखोगे हर वीडियो तीन कैटेगरी में सेलेक्ट हो जाता है, SD, HD और 4K, और अपलोड कर देना बस, और इतना सा काम करने से ही आपका व्यूज बढ़ना चालू हो जाता है। तो चलिए अब मेरा वीडियो देख लो एक बार और देखना आप मेरे वीडियो की तीन कैटेगरी में सेलेक्ट होगा हर वीडियो। तो मैं आपको दिखा देता हूँ अपने होम स्क्रीन पर, मैं आ गया हूँ अपने फ़ोन की होम स्क्रीन पर और यहाँ से दिखा देता हूँ अपने मेरे जितने भी कंटेंट हैं सब, हर कंटेंट मेरा जो भी है वो 4K कैटेगरी में सेलेक्ट है। ठीक है, यहाँ से आप जब भी एक बार आप अपने फ़ोन का भी देखना, अपने फ़ोन में जा करके YT स्टूडियो ओपन करके, और जो क्वालिटी है आपकी वो SD या HD होगी, 4K नहीं होगी, क्योंकि आपने जब वीडियो को सेव किया एडिटिंग करने के बाद तो वो आपने 4K सेलेक्ट ही नहीं किया और आपकी वीडियो जो है नॉर्मल क्वालिटी में सेलेक्ट हो गई और सेव हो गई। ठीक है, आप ये देखो मेरा वीडियो जो है यहाँ देख सकते हैं आप, SD, HD और 4K तीन कैटेगरी में सेलेक्ट है। अगर इस टाइप से आप भी वीडियो को अपलोड करते हो तीन कैटेगरी में सेलेक्ट करके, तो आपके व्यूज हमेशा बढ़ते रहेंगे, क्योंकि ये मैंने अभी जो वीडियो डाली है ये ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, 11 सितंबर को डाली है, और इस पर कुछ ज़्यादा खास रिस्पॉन्स नहीं मिला और इम्प्रेशन भी नहीं भेजा यूट्यूब ने, बड़ा मुश्किल से 200-300 लोगों के पास ही इम्प्रेशन भेजा है, तो इसलिए मेरा व्यूज इस वीडियो पर डाउन है। और इस तरह से आप ट्रिक लगाना बस, और कुछ करना नहीं है। अगर इस तरह से आप ट्रिक लगाते हो और वीडियो को हाई बिट रेट हाई फ्रेम रेट के साथ सेव करते हो एडिटिंग करने के बाद, तो आपका 101% व्यूज बढ़ेगा। आपकी जो वीडियो है जब तीन कैटेगरी में सेलेक्ट हो जाती है तो खुद ही यूट्यूब रिकमेंड करता है, ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रेशन भेजता है यूट्यूब, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास भेजता है। और इस ट्रिक को लगा लो और आप देखना अपने फोन में कैसे आपका व्यूज बढ़ता है।